दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो आप मोबाइल देख रहे हैं ये है वीवो का V9 मॉडल। इस मोबाइल को अगर आप FRP अनलॉक करेंगे तो इसमें ADL मोड के जरिए से इसका FRP अनलॉक होगा और पिन पैटर्न जो है आपका ADL मोड से अनलॉक होगा, लेकिन ADL मोड इसमें जो है टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करके जो है लाया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसका टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप इसका ADL मोड ला सकते हैं। और इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए मैं भी आपको दिखाऊंगा मेरिकल थंडर FRP टूल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है इस टूल के बारे में बता दूं कि इससे अगर आप अनलॉक करना चाहें इससे आप किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे वीवो सेलेक्ट करना है ब्रांड, उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है वीवो V9। चलिए हम पहले आपको मॉडल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं V9 हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर मान के चलिए इस मोबाइल का अगर आप पिन या पैटर्न लॉक अगर आप अनलॉक करना चाहें तो आपको यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे चेक लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है XML फाइल जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यानी फायर हाउस फाइल, ठीक है। तो फायर हाउस फाइल सेलेक्ट करके आप इसका जो है पिन या पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर इस मोबाइल का अगर आप FRP अनलॉक करेंगे तो FRP भी अनलॉक कर सकते हैं आप, लेकिन मेडिकल FRP टूल से आप जो है आप डायरेक्टली जो है उसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टूल से अगर FRP अनलॉक करेंगे आप तो इस टूल में जो है आपको फायर हाउस फाइल की जरूरत पड़ेगी, उस फाइल के जरिए से आप इसका FRP अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिमूव अदर लॉक पे चेक लगाना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, FRP अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वीवो V9 मोबाइल का जो है ये मदरबोर्ड है, ठीक है। इस मदरबोर्ड जब आप इस मोबाइल को आप ओपन करेंगे यहाँ पे आपको जो है 4 डॉट मिलेगा। यहाँ पे आपको इन दोनों टेस्टिंग पॉइंट को आपको शॉर्ट करना है और जैसे इस टेस्टिंग पॉइंट को आप शॉर्ट करेंगे और डाटा केबल लगाएंगे और आपका ADL मोड आ जाएगा। यानी पहले आपको टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करना होगा, फिर आपको डाटा केबल लगाना है और आपका ADL मोड आ जाएगा। उसके बाद आप मेरिकल FRP टूल यहाँ पे जो है ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जो है वीवो जो ब्रांड है उसे सेलेक्ट करना है, बाकी आपको इसमें कुछ भी और सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको रिमूव FRP यहाँ पर देना है और जैसे आप यहाँ पे रिमूव FRP देंगे और आपका ऑटोमेटिकली मोबाइल जो यहाँ पे इस टूल से बूट करेगा और FRP अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप FRP टूल से अगर आप जो है अनलॉक करते हैं तो आपको इसमें कोई प्रोग्रामर फाइल, कोई फायर हाउस फाइल की जरूरत नहीं है। आपको इसमें आप जो है डायरेक्टली ADL मोड लगा के FRP अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।